हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू यू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रेस्टीज के नए कुकटॉप के बारे में, जिसमें आप डबल कुकिंग स्टेशन को एक ही साथ यूज कर सकते हैं। काफी लोगों की डिमांड रहती है, एक इंडक्शन उनके लिए काफी कम पड़ता है और एक बार में वो कुकर और कढ़ाई साथ में चढ़ाना चाहते हैं, बट वो इंडक्शन कुकिंग में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो प्रेस्टीज ने निकाल दिया है डबल इंडक्शन, जो कि आपके सामने ये रहा। और इस इंडक्शन की खासियत यह है कि एक बार में दो इंडक्शन आप एक ही बार में यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें प्रेशर कुकिंग करना तो एक आप प्रेशर कुकर, और अगर आप चाहें कढ़ाई या किसी भी तरीके का चावल आवल बनाना या किसी तरीके की इस टाइप की कुकिंग करना, तो वो आप एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ टेम्परेचर रेगुलेटर भी अलग अलग दिया है, जिससे इस इंडक्शन में आप अलग अलग टेम्परेचर पे खाना बना सकते हैं, जैसे आप अपने गैस स्टोव में आराम से बनाते हैं। उसी के साथ साथ अगर सेफ्टी मेजर्स की बात करी जाए तो ये इंडक्शन पूरी तरीके से सेफ्टी के साथ प्लान किया गया है। सबसे पहली चीज़ इसमें खासियत ये मिल जाती है कि इसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से क्लीन करना आसान है। कहीं भी गैपिंग नहीं है, जिसकी वजह से अंदर की तरफ पानी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये खराब भी नहीं होगा। दोनों में ही एक सेफ्टी रिंग दी गई है, जिसकी वजह से अगर कभी भी इसमें कोई चीज़ गिरती है बर्तन से तो इस रिंग के अंदर ही रहेगी, बाहर बहुत जल्दी नहीं आएगी, और इन केस आ जाती है तो क्लीनिंग भी उस हिसाब से हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं कुकिंग ऑप्शंस की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है आपका 2 बर्नर चूल्हे के बराबर का साइज है, और उसी के साथ साथ इसमें ऑप्शन भी उसी हिसाब से दिए हुए हैं। इसका जो डिस्टेंस दिया है, इसमें आप 5 लीटर कुकर और एक बड़ी कढ़ाई एक साथ आराम से कुकिंग कर सकते हैं, और फ्लेम कुकिंग नहीं है, जिसकी वजह से चलते टाइम पे भी अगर इसमें आप हाथ रख दीजिए तो आपके हाथ जलेंगे नहीं। तो ये काफी अच्छा कुकिंग ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो चीज आपको इसमें मिल रही है, ये काफी ज्यादा यूनिक है और नई है। ये कुकिंग स्टाइल काफी लोगों के लिए नई हो सकती है, बट अगर आपका सेटअप आपके रूम में है, अगर आपका सेटअप इंडोर सेटअप है और बहुत ज्यादा चिमनी उमनी का सेटअप नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से डबल कुकिंग करना चाहते हैं एक ही बार में। अब यहां पर आपको इंडियन कुकिंग ऑप्शन दोनों में ही मिल जाते हैं, जैसे कि डोसा, चपाती, डीप फ्राई, प्रेशर कुकिंग, हीट मिल्क, करी, सॉटे, इडली, ये सारे ऑप्शंस आपको प्रीसेटेड टेम्परेचर में मिलेंगे, जिससे आप इसको दोनों को उस तरीके से प्रीसेटेड टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं। दो इंडक्शन आपको एक साथ मिल जाते हैं, जिसमें अलग अलग वॉटेज है। पहला इंडक्शन आपको जो प्राइमरी इंडक्शन मिलता है वो 2000 वॉट का मिलता है, जिसको आप 2000 वॉट तक चढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है बड़े से बड़ा बर्तन भी इसमें आप बहुत आसानी से चला सकते हैं, और छोटे से छोटा तड़का पैन भी इसमें आप डिटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो दूसरा इंडक्शन दिया है, क्योंकि ओवरहीट ना हो, तो यहाँ पे 1200 वॉट का दिया हुआ है। 1200 वॉट भी काफ़ी अच्छी तरीके से हीट को मेंटेन रखता है, और साथ ही साथ इन दोनों की 1 ईयर की ऑन साइट ऑल इंडिया वारंटी आपको देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ कहीं भी जोड़ ना होने की वजह से गंदगी नहीं इसमें फंसेगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑन और ऑफ के ऑप्शन भी बिल्कुल सेपरेटेड दिए हुए हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी मेजर्स की, तो यहाँ पे अगर आप कुकिंग के टाइम पे इसके बीच में अगर किसी कागज को भी रख देते हैं तो भी आप इजीली कुकिंग कर सकते हैं। फ्लेम कुकिंग नहीं है और 100% शॉक प्रूफ होता है। और यहाँ पे अगर नीचे से बात करते हैं तो डबल फैन सिस्टम भी दिया है, जिसमें 2 फैंस लगे हैं अलग अलग इस सरफेस को कूल करने के लिए। तो जब भी आप कुकिंग करेंगे तो ओवर हीट होने का चांस ही नहीं होता है। और इससे पहले जब इंडक्शन डबल निकाले गए थे ओवरहीट हो जा रहे थे, बट अब ये टेक्नोलॉजी जो दी गई है वो पावर सेवर टेक्नोलॉजी के साथ है, ओवरहीट नहीं होगा, बिजली का खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। एक इंडक्शन 1200 वॉट है, एक इंडक्शन 2000 वॉट है, बट रेगुलर बेसिस में अगर आप चलाएंगे तो 600 से लेकर 1200 के बीच में ही दोनों इंडक्शन चलते हैं, सिर्फ कॉइलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, इसमें आपको डुअल हीट सेंसर मिल जाते हैं, इंडियन मेन्यू सिस्टम मिल जाता है, और बहुत ईजिली ये क्लीन भी रहता है। अब यहां पे अगर हम गारंटी वारंटी की बात करते हैं तो इस पूरे इंडक्शन का एक वारंटी कार्ड इशू करती है, जिसका बिल्कुल यूनिक वारंटी कार्ड होता है। यहां पे डबल स्टेशन यहां पे दिए हुए हैं 2000 और 1200 वॉट, और इसके जो लास्ट पेज है इस पे यहां पे इंडक्शन का एक यूनिक नंबर भी लिखा रहता है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये यूनिक नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 1 साल की वारंटी ये कंप्लीट देते हैं, वो भी घर पे सर्विस मिलेगी ऑल इंडिया।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो नंबर था ये इसमें यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे छपा हुआ रहता है, उसी के साथ साथ काफी अच्छी तरीके से नीचे की तरह से क्लीन फिनिशिंग दी गई है। इनकेस आपको पूरा स्लैब ढंग से साफ करना है बस इसको आप ऐसे उठाइए, क्लीन करके इसको वापस रख दीजिए। तो ये चीज मुझे कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया है और ये नया कॉन्सेप्ट है उन लोगों के लिए जो कि गैस स्टोव में कुकिंग नहीं करना चाहते हैं और रूम सेटअप में कुकिंग करना चाहते हैं, तो उनको पूरी वही किचन वाली फील आएगी, वही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा मॉडर्न एक्सपीरियंस मिलेगा और नो मेस कुकिंग का। यहाँ पे अगर आप इस टाइप से पूरी कुकिंग करते हैं तो बहुत आसानी से, ये देखिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत आसानी से नो मेस कुकिंग इसमें आप कर सकते हैं और देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में। जरा मैं हटा देता हूँ तो एक कंप्लीट लुक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट लुक आपको देखने को मिलेगा अपने एक पर्सनल रूम किचन सेटअप में। तो मैं इसको रूम किचन सेटअप इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होगी और साथ ही साथ 100% सेफ रहता है, ओवरहीटिंग नहीं देखने को मिलती है। अब समय आ गया है इसका प्राइस बताने का और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। देखिए पहली चीज है, कोई भी चीज नई आती है मार्केट में तो ऑब्वियस ही बात है कि वैल्यू फॉर मनी तो सेकेंडरी हो जाता है। सबसे पहले है कि ये हमारे कल्चर में चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं कहूँ ये इंडक्शन हर किसी के लिए नहीं है, ये इंडक्शन उन लोगों के लिए है जिनको फ्लेम बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं है, जो LPG कनेक्शन इनके पास नहीं है, जिनका सेटअप थोड़ा रूम सेटअप है, छोटा सा फ्लैट है, रूम सेटअप है और वहां पे आप ट्रैवलिंग ज्यादातर 2 से 3 साल में आपका घर चेंज हो जाता है, आपको ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वहां पे ये सेटअप काफी अच्छा रहेगा। और इवन अगर आप अलग रह रहे हैं तो भी आप ये सेटअप ले सकते हो क्योंकि ये आप अलग अलग जगह पे आराम से अपनी गाड़ी में रख के शिफ्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ इसकी जो MRP है वो एक गैस स्टोव के बराबर ही है, 11,495 रुपये इसकी MRP है। मगर ये लगभग अगर आप ओपन मार्केट या ऑनलाइन भी सर्च करोगे, वैसे मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक दे दूंगा तो वहां से आप एक अच्छे डिस्काउंट में ले सकते हैं, नहीं तो ये लगभग मार्केट में अगर 7,000 to 8,000 rupees का आपको मिल रहा है तो आप इसको एक जस्टिफाइड दाम पे ले सकते हैं। 10,000 रुपये में तो मुझे लगता है ये काफी महंगा पड़ेगा, बट मैंने डिस्काउंट जितना सर्च किया है तो ये लगभग आपको 7,000 से 8,000 की रेंज में मिल जाएगा। अगर कोई आपको ज्यादा प्राइस भी कोट करता है तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये 7,000 to 8,000 में बहुत जेन्युइन प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी यूनिक है, नई चीज़ है और ये उन लोगों के लिए जो कि एक नया सेटअप सेफ सेटअप करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका बजट 7,000 से 8,000 रुपये का है और बढ़िया बेहतरीन और मॉडर्न डिजाइनिंग का इंडक्शन लेना चाहते हैं जिसमें एक बार में आप पूरा खाना बना सकें तो आप इसको ले सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। गैस स्टोव से एक बेहतर ऑप्शन ये है क्योंकि सेटअप बहुत क्लीन रहेगा, सिलेंडर रखना नहीं पड़ेगा और भी बहुत ज्यादा आपको उस टाइप से नहीं करा है, पूरा मॉड्यूलर सेटअप के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस और फास्ट कुकिंग एक्सपीरियंस देगा। तो इस टाइप के बर्तन अगर आप लेते हैं तो मुझे लगता है कि सारे इंडक्शन बेस्ड बर्तन 100% हेल्दी भी होते हैं, तो इंडक्शन के साथ साथ बर्तन भी आप हेल्दी यूज कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। और कैसा आपको ये नया सेटअप लगा, नया इंडक्शन लगा, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।